देख रहे हैं बजब गजब। मेरा नाम है मेघा, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हिंदू धार्मिक किताबों में हमने अक्सर यही पढ़ा है और बचपन से भी हम यही सुनते आए हैं कि एक गरीब ब्राह्मण होता है। जब भी किसी ब्राह्मण की बात आती है तो कहा जाता है एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, उसके 4 बच्चे थे। लेकिन ये स्टोरी देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि हमेशा ब्राह्मण गरीब नहीं होता, क्योंकि आज आपको हम एक ऐसे ब्राह्मण से मिलवाने वाले हैं जो सोने से बना जनेऊ पहनता है। वडोदरा में नर्मदा के किनारे मालसर गांव में गजानन आश्रम के गुरुजी विजय जोशी 1.25 किलो सोने का जनेऊ पहनते हैं। इतना ही नहीं, कमर पे पिस्तौल भी रखते हैं। ब्राह्मण कभी गरीब नहीं होता, ये बात साबित करने के लिए मालसर गजानन आश्रम में सेवा कार्य करने वाले गुरुजी विजय भाई जोशी ने अपने शरीर पर 1.25 किलो जनेऊ पहन लिया है। साथ ही कमर में रिवॉल्वर भी रखते हैं और इस बात का परिचय देते हैं कि कली काल में ब्राह्मण राष्ट्रहित के लिए शस्त्र उठाकर दुष्टों का संहार भी कर सकता है। विजय जोशी ने साल 2018 में जनेऊ बनवाया था और तब से इसे पहन रहे हैं। मालसर स्थित उनका आश्रम नर्मदा की परिक्रमा करने वाले सभी तीर्थयात्रियों को आश्रय और मुफ्त का भोजन कराता है। विजय अनुष्ठान का काम करते हैं। भारत के अलावा अफ्रीकी देशों में भी उनके कई अनुयायी हैं। विजय भाई गणपति जी के उपासक हैं। राजकोट स्थित उनके घर का नाम भी विघ्नराज है। विजय भाई जोशी का कहना है कि परशुराम ने एक श्लोक में शास्त्र और शस्त्र के बारे में बहुत अच्छी बात की है। वो श्लोक है, अग्रतः चतुरो वेदा पृष्ठतः संशरम धनु इदम् ब्रह्माम इदम् शास्त्राम शापदापि शरादपि। सज्जनों को समझाने के लिए शस्त्र ही काफी है, लेकिन वही परशुराम दुर्जन को समझाने के लिए पीठ पर ढाल और धनुष्मण लेकर चलते हैं। विजय भाई कहते हैं, मैंने सोने के जनेऊ पहनने का दृढ़ संकल्प किया था। पहले के समय में लंकेश यानी रावण एक विद्वान ब्राह्मण था और वो भी सोने का जनेऊ पहनता था। पहले से ही चला आ रहा है कि ब्राह्मण बहुत गरीब होता है। हम उस कहानी को पूरी तरह से मिटा देना चाहते हैं, इसलिए विजय भाई जोशी हमेशा सोने का जनेऊ पहन के रखते हैं। साथ ही विजय भाई का कहना है कि ब्राह्मण कभी गरीब या जरूरतमंद नहीं होता, सभी यथाशक्ति ब्राह्मण को दान देते हैं और ब्राह्मण उसे अमीर और प्रसिद्ध होने का आशीर्वाद देते हैं। तो फिर ब्राह्मण खुद कैसे गरीब हो सकता है? एक ब्राह्मण के पास भले ही कम धन हो, लेकिन उसके पास दूसरों की तुलना में अधिक ज्ञान और शक्ति होती है। वो ये भी कहते हैं कि जब कोई ब्राह्मण अपने यजमानों को आशीर्वाद देता है तो वो उन्हें सफलता प्रसिद्धि धन और दीर्घायु सहित आशीर्वाद देता है। विजय हमेशा संस्कृत में एक श्लोक पढ़कर सुनाते हैं और इस बात का प्रमाण देते हैं कि ब्राह्मण के रक्त में कण कण में धर्म ग्रंथ हैं। राज्य के अनेक ब्यूरोक्रेट्स भी विजय भाई जोशी पर बहुत भरोसा करते हैं और उनके पास अपनी छोटी छोटी समस्या लेकर आते हैं जिनका सामान्य उपाय हमेशा रहता है। विजय भाई जोशी धनतेरस के त्योहार पर लक्ष्मी योग भी कराते हैं। इसके तहत वो सोने और चांदी के वर्क से ढके कमल के फूलों की आहुति देते हैं। विजय भाई जोशी को देखकर तो कोई नहीं कह सकता कि भाई ब्राह्मण गरीब होता है, और हमारी किताबों में पढ़ाई जाने वाली वो कहानी कि एक गरीब ब्राह्मण था, विजय भाई जोशी को देखने के बाद वो कहानी सरासर गलत साबित होती दिखती है। वेल, आप क्या कहते हैं इन विजय भाई जोशी के बारे में कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और क्या आप भी किसी ऐसे ब्राह्मण को जानते हैं